अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं। तो आपके सामने दो पाइल अवेलेबल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपने करना क्या है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने रब को याद करना है, और इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। आपने अपनी पाइल सही से सिलेक्ट करनी है, उसी में ही आपका मैसेज है, उसी में ही आपका आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आर दे कमिंग बैक, क्या वो वापस आएंगे आपके लिए, आपकी तरफ, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे सेकंड चैनल पर जाके आप ज़ोडिक साइन की रीडिंग भी देख सकते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, क्या उनके पर्सन वापस आएंगे। एक कार्ड और, अभी आपके पर्सन कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको मैसेज भी करते होंगे तो वो आपको सही से रिप्लाई नहीं देते होंगे। वो ये दिखाते होंगे कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेशन करेंगे। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा ये इंसान ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ये कंट्रोलिंग नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा ये इंसान, ईगोइस्टिक इंसान जिसे कहते हैं वो होगा। ये इंसान जो है, आप अभी जो है आपको पोकर फेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ये कम्युनिकेशन करना भी चाहता है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आपके पर्सन लॉयर हो सकते हैं, आपके पर्सन जो हैं जज हो सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप लोग डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपके पर्सन का साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकता है, आपके पर्सन एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी आया है। तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हों, ये इंसान राइट टाइमिंग का वेट कर रहा है, ये चाहता है कि आपके उसके बीच में जो है बिगनिंग, न्यू बिगनिंग हो, ये चाहता है ट्रैवल करके आपसे मिला जाए, ये डिसीजन मेकिंग मूड पे है, ये डिसीजन लेना भी चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में दो सिचुएशंस हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री वांस आई हैं, एक दो इसने जो हैं पीछे हैं इसके और एक इसने पकड़ी हुई है। तो ये इंसान डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन ये इंसान कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, डे एंड नाइट आप इस इंसान के दिमाग में रहते हैं, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बस सोच रहा है और ये चाहता है कि आप जो है इस बार इनको अप्रोच करें। हो सकता है आप ही इनको हर बार अप्रोच करती हूँ, लेकिन आपने इस दफ़ा अपने आप को थोड़ा सा बैक कर लिया है कि नहीं, मैं ही अप्रोच क्यों करूँ हर दफ़ा, ये इंसान भी तो मुझे अप्रोच करे, अगर इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो ये भी मुझे अप्रोच करे, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन आप जो हैं इनको एंटरटेन नहीं करा रही हैं। अगर ये इंसान आपको पोकर फेस दिखा रहा है, तो आप भी अपना सारा फोकस अपने पेंटिकल पे, अपने बिजनेस पे, अगर आपका अपना बिजनेस है तो उस पर करके बैठी हैं, अपनी जॉब है तो उस पर कर रही हैं। हाँ, ये नहीं कि आप इस इंसान के बारे में सोचती नहीं हैं, जानती नहीं हैं, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर आपको इस इंसान का वेट करना पड़े तो वेट करेंगी आप, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये इंसान आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में देखता है, यानी कि आपका भी अच्छा बिजनेस है, आपकी भी अच्छी फैमिली से हो सकती हैं आप जो है अपने कैरियर पे फोकस कर रही हैं, आपका सारा फोकस अपने पेंटिकल पे, ये इंसान ये देख रहा है। लेकिन इस इंसान की लाइफ में जितनी भी चॉइसेस आ जाए, जितने भी ऑप्शंस आ जाए, ये इंसान आपको जो है सबसे ऊपर रखता है। द लवर्स कार्ड थे, ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आप इस इंसान का ट्रू लव है,
ये इंसान आपकी लाइफ में वापस तो आएगा, लेकिन देखें किसी किसी का पर्सन एरियस और सजिटेरियस के महीने में अप्रोच कर लेगा, ठीक है। और किसी किसी का पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। जिसके पर्सन स्लो हैं वो आ तो रहे हैं, सॉलिड ऑफ़र लेके आ रहे हैं उनके पास, वो आना तो चाहते हैं लेकिन सॉलिड ऑफ़र लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा वेट लगेगा। ये इंसान आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफ़र होगी वो, या आपको शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या आपको इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये थोड़े से अभी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इन कार्ड में जो एक्शन कार्ड नज़र आए हैं, बस अभी सोच रहे हैं। और जिनके पर्सन एक्शन भी लेना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, अगर मैरिड है तो हो सकता है डिवोर्सी पर्सन हो ये इंसान, या सिंगल पेरेंट हो, सिंगल फादर हो। और आप भी यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहे हैं, सिंगल पेरेंट नज़र आ रही हैं, मदर। आप दोनों डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों का डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात अलहदा है। ये इंसान आपके साथ विक्टोरियस होना चाहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जगलिंग पीरियड, ये इंसान जगल करता है। हो सकता है इस इंसान को लगता है अगर ये आपको अप्रोच करेगा तो आप जो है इन्हें लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के चले जाएंगे, आप इन्हें धोखा दे देंगे, चीटिंग कर देंगे। हो सकता है ये पास की जो रिलेशनशिप है उससे सही से निकल के नहीं आ पाया ये इंसान, इसे ये लगता है। और ये बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, और इसे ये लगता है कि अब आप जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में आ गई हैं, आप क्लैरिटी मांग रही हैं, इसलिए अपनी लाइफ में इस इंसान को आने नहीं देने वाली, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं इस इंसान का एक्शन क्या होगा। ये सोच तो इतना कुछ रहे हैं आपके बारे में, क्या ये एक्शन लेंगे? फूल, ये इंसान आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग की जाए, आपके साथ इस रिलेशनशिप में जाके देखा जाए। और इस इंसान की कुछ बातें भी आपको फूल वाली लगती होंगी, कि इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देता होगा, आपको पसंद करता है पर बताता नहीं है, आपको अपनी चीज़ें शो नहीं करता, अपनी मौज में मगन रहता है, यानी कि ना सोचता है ना समझता है, हर चीज़ को करने की कोशिश करता है। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, द हेरोफेंट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा और टॉरस। तो गाइज देखें, आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, अपने और अपने आपकी रिलेशनशिप को इस दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे दो क्वींस निकल के आई हैं, तो मैं यही बात करूँगी, आपके पर्सन के पास चॉइसिस हैं। ये मैरिड पर्सन हैं, और अगर मैरिड हैं तो ये वहाँ पे डिवोर्स का मसला चल रहा है, कुछ डिवोर्स भी नज़र आ रहे हैं, सिंगल फादर सिंगल पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं ये मुझे। तो ये इंसान चाहता है कि आप थोड़ा सा इसका वेट करें, ये इंसान आपको सॉलिड ऑफ़र देगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, आपको आपके पर्सन जो हैं आपको ये भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मजहबी हैं, आप अपने कायदे और कानून कभी नहीं पीछे छोड़ दिया, आप उनको साथ लेके चलना चाहती है। और यही चीज़ देख के ये इंसान आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहता है। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे हेरोफंट कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस, यही बताता है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ऑफ़र करना चाहता है, आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आपके इसके बीच में जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं वो दूर की जाएँ और आपको एक ऑफ़र दी जाए। अभी तो फिलहाल ये इंसान आपको जब अप्रोच करेगा तो हाई हेलो से अप्रोच करेगा। ये इंसान चाहता है कि आपसे माफ़ी मांगी जाए। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखता है ये इंसान आपसे। तो इस इंसान का यही नेक्स्ट एक्शन है कि ये इंसान आपको जब अप्रोच करेगा तो लाइट हार्टेड होकर अप्रोच करेगा, लेकिन जब आप लोग बात इससे करेंगे तो ये इंसान आपको ऑफ़र भी देगा। जो आप इस रिलेशनशिप में आप इस इंसान से चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। आप थोड़ा सा वेट करें, आपको इस रिलेशनशिप में जो चाहिए ये इंसान वो आपको देगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली डेक सेलेक्ट की है, तो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट पर्सन वापस आएंगे या नहीं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे सेकंड चैनल पे जाके आज रोडिक साइन की रीडिंग भी देख सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स के मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनसे क्या वो वापस आएंगे या नहीं। आर दे कमिंग बैक, पाइल नंबर 2 के पर्सन वापस आएंगे या नहीं।
ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आई है वो पेज ऑफ सोर्स निकल के आई, ये इंसान आपको हैवली स्टॉक कर रहा है। अगर आप लोग इनसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं तो ये इंसान आपको हैवी स्टॉक कर रहा है। ये इंसान आपकी एवरी सिंगल मूव पे नज़र रखता है। ये इंसान की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये इंसान आपके बारे में सही से जानना चाहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपके बारे में सही से जान कर कहीं हाँ आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया या आपको छोड़ के चले गए हैं। तो ये इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये इंसान आपके बारे में जानना चाहता है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। और देख लेते हैं और क्या कार्ड आए हैं निकल के। नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है यहाँ से नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ऑब्सेसिव हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं गाइज, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। ये इंसान आपके पीछे पागल है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखता है डेविल कार्ड से। इसकी कुछ बैड हैबिट्स हैं जो आपको पसंद नहीं है, इसलिए शायद आपने इस इंसान से वॉक अवे कर लिया, आपने इसको छोड़ दिया कि अपनी ये हरकतें सुधार लो या फिर मुझे रख लो, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप जो हैं अपना कारोबार में अच्छी हैं, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, अच्छी फैमिली हो सकती है आपकी, या आप जिस चीज़ में भी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हैं। ये इंसान आपको अपना कप जो है ऑफ़र करना चाहता है नाइट ऑफ कप्स से। लेकिन देखें, द नाइट ऑफ कप्स और डेविल ये कार्ड बताता है, दोनों जो साथ में कार्ड आए हैं, ये इंसान आपके पीछे पागल है। खाली इस इंसान के दिल में आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है। लेकिन केयरफुल रहिएगा, नाइट ऑफ कप्स और डेविल कार्ड ये बताते हैं, ये नाइट जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ से चला भी जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये इंसान आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं देगा जब तक, आप इसकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स और द डेविल कार्ड बताता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन जितनी जल्दी ये इंसान आएगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ से चला भी जाएगा। ये इंसान थ्री ऑफ कप पेंटिकल्स से आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन चाहता है। हो सकता है ये इंसान जो है कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, इनका अपना बिजनेस हो सकता है, ये इंसान अपने कैरियर को भी साथ रखना चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं। ये इंसान थ्री ऑफ पेंटिकल कभी कभी ये भी बात करता है आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखें यहाँ पे लव ट्रायंगल है, ये इंसान जिस सिचुएशन में है उसको भी नहीं छोड़ना चाहता और ये आपको भी रखना चाहता है। एस ऑफ वांड्स, आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है, लेकिन बी केयरफुल मैंने आपको बता दिया है। फाइव ऑफ सोर्ड्स यही है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, ये अपनी बहुत ज़्यादा चलाता होगा, आप लोगों में ईगो बैटल्स भी होते होंगे, नहीं तुम इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने, ये इंसान आपको चाहता होगा कि बस ये जो कह देता है आपने वो करना है, ये नहीं सुनने की आदि नहीं है ये इंसान। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान सीरियस होके इस रिलेशनशिप में वर्क करे, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ शादी करे, यहाँ पे ये एनर्जी आना नज़र आई है मुझे। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या, ये इंसान वापस आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा ये इंसान। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, तो ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आती सोच के। दोनों की एनर्जी यही है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये इंसान चाहता है कि आपको ये जिस सिचुएशन में है उस वैसी ही सिचुएशन में आप अप्रोच कर लें, इनको बदलने को नहीं बोलें आप इनसे। ये आपकी लाइफ से इन और आउट भी रहते हैं, जब दिल चाहता है आ जाते हैं, जब दिल चाहता है चले जाते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह ये आपको अप्रोच करते हैं आप इन्हें वेलकम करा करें, और ये ही आपसे नहीं होता है। टेन ऑफ कप्स, लेकिन ये रिवर्स है, मैं इसकी मीनिंग्स आपको बताऊंगी रिवर्स की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
और हमें मिला है क्वीन ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और इनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन है, या ये दोनों एनर्जियाँ आपकी हो सकती है, एनर्जीज आपकी हो सकती है। टेन ऑफ कप्स रिवर्स आया, तो ये इंसान आपके साथ शादी तो करना चाहता है, लेकिन ये जिस सिचुएशन में है ये उसे भी छोड़ना नहीं चाहते, तो शायद इसीलिए आपने इनसे वॉक अवे किया था कि मुझे रख लो या वो सिचुएशन को रख लो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इन्हें कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, आप इन्हें बात नहीं कर रही, आप इनसे क्लैरिटी मांग रही हैं, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखता है। ये देखता है कि आप जो है, यहाँ पे तीन क्वींस ये बताती हैं कि इस लाइफ, इस इंसान की जिंदगी में लेडीज़ का, गर्ल्स का बहुत ज़्यादा ही अमल दखल है, बहुत ज़्यादा ही ये इंसान जो है लड़कियों में रहता है, कन्वर्सेशन करता होगा, और इसे अपोजिट जेंडर से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यही कहूँगी शॉर्ट में। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन डिवोर्सी हो या डिवोर्स से गुजर रहे हों, सिंगल पेरेंट्स या सिंगल फादर हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान यही देखता है कि ये आपके साथ टेन ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन जिस सिचुएशन में है आपको ये चाहते हैं कि उसी सिचुएशन में आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ये इंसान चाहता है कि क्लैरिटी दे आपको, ये इंसान चाहता है कि आपको बताए कि ये क्या फील कर रहा है। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये इंसान आपको टेन ऑफ कप्स देना चाहता है, लेकिन जिस सिचुएशन में है ये चाहता है कि आपको उसी सिचुएशन में आप इसे एक्सेप्ट कर लें। ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी देखता है, ये इंसान ये देखता है कि आपके बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं, इसी वजह से ये आपको टेन ऑफ कप्स देना चाहता है, लेकिन अभी दे नहीं रहा है, आपको उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं रीडिंग में, बाय।